टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद हैं हम मुंब्रा के धाना जी पाटिल चाल में और आपको बता दें कि आज शाम के वक्त ही हमने खबर आपको दिखाई थी जिसमें एक 12 साल का लड़का 15/4/2021 को जिसका नाम है राज चौरसिया वो घर से लापता हो गया था, लेकिन खबर दिखाने के करीब 2 से 2.5 घंटे बाद ही वो लड़का अपने घर पहुँच गया है। वो लड़का हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हम उसी से बात करते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था और वो जो बीते 20 से 24 घंटे का समय गुजर गया है इस दौरान वो कहां पर था और कैसे अब वो अपने घर पर आया है। आप कहां गए हुए थे और कैसे आज अपने घर पे आई? मैं अपने भाई का कपड़ा और अपना लेके मास्टर अंकल के पास गया था। वहां से उसको पहले मैंने अपना वो दे दिया कपड़ा दे के, फिर अपना बोला अंकल तू बाद मिला, तो मैं बाद मिला तो उधर गया तो किसने पत्थर मारा पीछे मुड़ के देगा तो बेहोश कर दिया। फिर मैं अपने कहाँ गए थे इस्त्री कराने के लिए कपड़ा? आप कहाँ गए थे? मस्जिद के पास, मास्टर अंकल के पास, मस्जिद के पास ये दरगाह के पास। हाँ, मस्जिद दरगाह। अच्छा, फिर उधर गया, फिर मैं उधर देखा अभी वो अंकल बोल तू बाद में लाइट नहीं। पत्थर किसने मारा? लेकिन पत्थर मैंने नहीं देखा, उसने तब बेहोश कर दिया, मैंने नहीं देख पाया था। बेहोश कैसे हुए थे? मगर जैसा पत्थर मैंने ऐसा पीछे मुड़ के देखा तो उसने वो कर दिया था, मुँह पे मार दिया था। अच्छा, तो फिर मैं होश आया तो मैं अपने रेलवे उसमें मालगाड़ी पाया। तो फिर ना उसने पूछा तू कहाँ रहता? मैं बोला मुंब्रा धाना जी चौल पटेल में रहता हूँ। तो उसने बोला फिर तुझा फिर बंद कर दिया। फिर ना हम लोग सब चिल्लाए तो एक अंकल आए, हम लोग को ना खोल दिए बाहर से। तो हम लोग को कहाँ ट्रेन में, कौन सी ट्रेन में, कहाँ थे ट्रेन में? मालगाड़ी में, कल्याण। अच्छा, तो अंकल ने हम लोग चिल्लाए तो अंकल ने खोल दिए। तो अंकल तुम लोग यहाँ क्या करो? हम लोग बोले कि हम बंद करके चले गए। तो अंकल बोले अच्छा चलो बाहर निकलो तो पुलिस भी थी दो। तो बोले आओ चलो नाश्ता कर लो। तो हम लोग को पहले वो किराया दिए नाश्ता, फिर एक अंकल हम लोग को मुंब्रा स्टेशन पर छोड़ दिए थे। तो ट्रेन में मालगाड़ी थी जिसमें बंद किए थे? हाँ। कितने लोग थे उसमें? एक लोग और था मेरे साथ। टोटल कितने लोग थे? दो लोग और थे, एक में तीन लोग। जानते पहचानते थे? नहीं, ज़्यादा नहीं, वो उसके बाल बड़े बड़े थे, ज़्यादा नहीं पता। क्या बोल रहा था आपसे वो? मतलब कुछ बोल रहा था आपसे, क्यों लेकर गया आपको वहाँ? वो सब नहीं उसने बोला। तो फिर वहाँ से बाहर कैसे निकले? तो अंकल ने हम लोग को वहाँ से निकाले, हम लोग चिल्ला रहे थे। कौन से अंकल? वो क्या पता वो काम पे जा रहे थे उधर से आ रहे। तो बोले तुम लोग क्या क्या बोला? अंकल ने हम लोग को बंद कर दिया। तो बोले चलो अच्छा आओ नाश्ता कर लो। हम लोग को उन्हें नाश्ता कराए फिर इधर छोड़ दिए थे मुंब्रा पे। उनने मेरे को 10 रुपये दिए तो मैंने इधर आ गया। किससे आया है? रिक्शे से। यहाँ घर पे आप रिक्शे से आए और कल्याण से मुंब्रा कैसे, ट्रेन से आए? हाँ, उधर से। वो अंकल छोड़ने, हाँ अंकल ने हमको छोड़ने आए लोकल से। अच्छा, पुलिस स्टेशन गए थे आप लोग यहाँ आने के बाद? पुलिस स्टेशन लेकर गए थे इनको? मैंने पुलिस स्टेशन इसको लेके गया तो हवलदार इससे पूछे आप कहाँ थे? उसने क्या बोला, किसी ने मेरे को रुमाल सुंघाया था। तो बोला ठीक है आप बैठिए। इसके बाद वो 3-2 स्टार आए तो बोला ठीक है इससे बात कर रहे थे, मेरे से कुछ बात नहीं किए हैं। क्या बताए थे पुलिस वालों को आपने? क्या बताया? मैंने जिस आपको बताया वैसा मैं जा रहा था, वही मास्टर का कपड़ा देने तो उन्होंने पीछे से मारा तो फिर को वो कर दिया। फिर मालगाड़ी में पाया तो फिर ना हम लोग उससे पूछा कहाँ रहता है? मैं बोला मुंब्रा धाना चौल में रहता। तो फिर ना बंद करके वो चला गया था। तो देखा पुलिस वाले आया तो वो भाग गया था हम लोग को लेकर। हम लोग अंदर थे तो अंकल ने, हम लोग चिल्ला रहे तो एक अंकल ने खोले, पुलिस भी थे। तो क्या वो पुलिस वाले ने पूछे तू क्या कर? हम लोग बोले वो हम लोग बंद कर चला गया। तो हम लोग को स्टेशन पे लाए तो नाश्ता वास्ता करवाए। फिर एक अंकल, वही अंकल थे जो हमको नाश्ता करा के फिर आए इधर छोड़ दिए। फिर वो मेरे को 10 रुपये दिए और मैं आ गया इधर अपने घर में। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो ये लड़का है राज चौरसिया, इसकी उम्र 12 साल जो है बताई जा रही है और ये कल शाम से ही घर से अपने लापता था, लेकिन आज शाम के वक्त ये अपने घर पहुंचा और आपने सुना ही किस तरह से इसने सारी बात बताई है। पुलिस स्टेशन में भी जाकर इसने अपना बयान दर्ज कराया है। बहरहाल जिस तरह से मुंब्रा शहर में या और भी कहीं भी जो बच्चे हैं उनका काफ़ी परिवार के लोग, माता पिता को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो है वो लगातार सामने आती हैं कि बच्चे घर से गायब हो जाते हैं, उन्हें तलाश करने के लिए लोग दर दर भटकते हैं लेकिन
कहीं उनका पता नहीं चलता है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।